तो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैद्यनाथ कंपनी की अश्वगंधा रिष्ट सिरप के बारे में। इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी कि आखिरकार यह सिरप होती क्या है, इस सिरप पीने के फायदे और नुकसान क्या हैं, इस सिरप को कब और कैसे पीना है, पीने का सही तरीका क्या है, यह सिरप आपको मेडिकल स्टोर पर कितने रुपये तक मिलेगी। कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, यह सिरप पूर्णतया आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है और दोस्तों इस सिरप को बैद्यनाथ कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। दोस्तों, इस सिरप को बनाने के लिए इसमें नेचुरल और हर्बल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अश्वगंधा, मुसली, मंजिस्था, अर्जुना, हराथकी, मुस्तका। दोस्तों, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं जो कि पुरुषों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। और दोस्तों, 450 ml की सीसी आपको मेडिकल स्टोर पे 260 रुपए तक आपको मिल जाती है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इस सिरप पीने के फायदे के बारे में। दोस्तों, इस सिरप का इस्तेमाल उन पुरुषों में करते हैं जिन पुरुषों में काम इच्छा की कमी हो जाती है। भाई, कुछ भी करने का मन नहीं करता है, बेड पर जाने का मन नहीं करता है, पत्नी से मिलने का मन नहीं करता है, उस कंडीशन में यह सिरप जो होती है पुरुषों में काम इच्छा को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है। और दोस्तों, यह सिरप शरीर के थकान कमजोरी को दूर करती है, शरीर के आलसपन को दूर करती है और दोस्तों एक प्रकार से शरीर में ऊर्जा भी प्रदान करती है। इसके साथ साथ इस सिरप का इस्तेमाल उन पुरुषों में करते हैं जिन पुरुषों में सुगाड़ों की कमी हो जाती है और वीर काफी ज्यादा पतला हो जाता है। ऐसे पुरुषों में बाँझपन की समस्या हो जाती है, ऐसे पुरुष जो संतान उत्पन्न नहीं कर पाते, ऐसे पुरुष जो बाप नहीं बन पाते, उस कंडीशन में यह सिरप जो होती है पुरुषों में सुगाड़ों की संख्या को बढ़ाती है। इसके साथ साथ वीर को गाढ़ा करने में काफी ज्यादा फायदेमंद होती है। इसके साथ साथ इस सिरप का इस्तेमाल उन पुरुषों में करते हैं जिन पुरुषों का प्राइवेट पार्ट टाइम पर खड़ा नहीं होता, कम समय के लिए खड़ा होता है, उनके प्राइवेट पार्ट में ढीलापन रहता है और कड़ापन नहीं आता, उस कंडीशन में इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, यह सिरप जो होती है पुरुषों के प्राइवेट पार्ट में जान लाने का काम करती है। इसके साथ साथ इस सिरप का इस्तेमाल शीघ्र पतन की समस्या के इलाज में करते हैं। और दोस्तों, यह सिरप जो होती है इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है। दोस्तों, यही होते हैं इस सिरप के यूज़। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि इस सिरप को कब और कैसे पीना है, पीने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, 15 ml से लेकर 30 ml दिन में दो बार। दोस्तों, जिन पुरुषों को ज़्यादा समस्या, ज़्यादा प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में 30 ml सिरप दिन में दो बार, सुबह और शाम खाना खाने के बाद इस सिरप का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको ज़्यादा समस्या, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, उस कंडीशन में 15 ml सिरप दिन में दो बार, सुबह और शाम खाना खाने के बाद आप ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस सिरप का इस्तेमाल लगातार 15 दिन तक करते हैं तो दोस्तों आप यकीन मानिए कि आपके शरीर में इसके इफेक्ट अच्छे दिखाई देने को मिल सकते हैं। वहीं पर दोस्तों, हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। दोस्तों, जो अश्वगंधा रिष्ट सिरप होती है यह 100% प्योर आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है और दोस्तों इस सिरप को बैद्यनाथ कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। दोस्तों, अभी तक इस सिरप के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखे गए हैं, लेकिन हाँ, अगर आपके शरीर में कोई भी साइड इफेक्ट दिख रहे हैं, फर्दर इस सिरप का इस्तेमाल ना करें और अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। दोस्तों, यही थी आज की जानकारी अश्वगंधा रिष्ट सिरप के बारे में। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी, वीडियो को करें लाइक और लाइक करने के साथ साथ चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।